दोस्तों आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है कि कैसे हम अपने दो पहिया वाहन यानी कि बाइक स्कूटर स्कूटी जो भी है इनको भारतीय रेल की मदद से सहारे से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजेंगे, क्या प्रोसेस है, खर्चे कितने आएंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगने वाला है। साथ ही एक ज़रूरी बात जिसको ख्याल रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको, अगर आप नहीं रखते हो तो जुर्माना तक आपको लग सकता है। आइए जानते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है कि अपना एक छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल जरूर बनाएं, नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रेन में रेल में दो तरीके होते हैं। एक होता है बुक करके भेजना, बुकिंग के जरिए से भेजना, दूसरा होता है लगेज के सहारे से। दोनों ही में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किराया में थोड़ा बहुत कम बेसी है। मैं पहले आपको बता देता हूँ लगेज वाला, लगेज में थोड़ा सा किराया आपको ज़्यादा लगता है। लगेज में ये ऐसा है कि आपने अपना टिकट पहले से बुक करा के रखा हुआ है और अब आप चाहते हो कि आप अपने साथ उसी गाड़ी में जहाँ जिस गाड़ी में आप जा रहे हो उस गाड़ी में अपनी बाइक को लेकर जाने के लिए, तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, अगर आपकी दिन की गाड़ी है तो बिंदास आप 2-3 घंटे पहले चल जाओ, 3-4 घंटे पहले ही आपको पहुँच जाना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ पहुँच जाओ, जाके जो बुकिंग ऑफिस है वहाँ अपने टिकट को लेकर आपको जाना है। अपने साथ ले जाने वाला रूल जो है वो बता रहा हूँ लगेज वाला, तो अपना टिकट भी लेके जाओ, उनको बताओ कि इस गाड़ी में मेरी यात्रा की टिकट है और मैं चाह रहा हूँ इसी गाड़ी में मेरा भी बाइक जो है वो चला जाए और वहाँ जाके मैं अपनी गाड़ी को ही रिसीव कर लूँगा। तो वो आपके टिकट के साथ में आपकी बुकिंग की स्लिप बना देंगे, आपके गाड़ी का जो भी दस्तावेज लगने वाले डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपकी गाड़ी को भेज देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी आप जिस गाड़ी में जा रहे हो उस गाड़ी में हो सकता है जो बुकिंग वैन है वो भरा हुआ है, बाइक तो आपके साथ नहीं रहेगी ना, वो बुकिंग वैन में रहेगी, वो भरा हुआ है पहले से, तो ऐसे केस में रेलवे वाले आपको कहेंगे कि हम दूसरी गाड़ी में भेज देंगे, आप पहुंच जाओ, आप जाके मतलब ये टाइम है गाड़ी का, आप यहां से आके अपना गाड़ी कलेक्ट कर लेना। इसमें थोड़ा सा चार्ज जो है ज्यादा लगता है, चार्ज भी आगे आपको मैं बताने वाला हूं। एक और बात का यहां पे ध्यान देना है, अगर आपकी गाड़ी रात की है तो रात को बुकिंग ऑफिस बंद हो जाता है, ऐसे में आपको दिन में जाकर ये सारे प्रोसेस करके अपनी गाड़ी को जमा करवा के आ जाना होता है और साथ ही आपको अपनी गाड़ी की पैकिंग भी करवानी होगी जिसके लिए अलग से चार्ज लगता है। ये अमाउंट कुछ फिक्स नहीं होता है, जो लोग आपकी गाड़ी को पैक करेंगे वो कई बार बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, आप बार्गेन करा सकते हो, कम बेसी करा के वो कर देंगे। ये तो हो गई लगेज वाली रूल, अब बात करते हैं पार्सल वाली रूल क्या कहती है। तो इसमें आपको यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप यहाँ से भेज रहे हो कोई और जहाँ भेज रहे हो वहाँ से रिसीव करेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करके, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ क्या होता है, वही प्रोसेस है, आपको गाड़ी का कोई टाइम टेबल तो है नहीं, आप चले जाओ पार्सल ऑफिस जब भी खुला है, जाकर उनको बता दो सारा कुछ, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, वो लोग पैकेजिंग वगैरह जो भी होता है चार्ज वगैरह लेके वो अपने हिसाब से कोई भी गाड़ी में भेज देंगे। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, दो डॉक्यूमेंट है जिनके बिना आपकी गाड़ी बुक नहीं हो पाएगी दोनों ही प्रोसेस में, वो है RC और इंश्योरेंस। आपकी गाड़ी की परफेक्ट होनी चाहिए वरना आप अपनी गाड़ी को बुक नहीं करा सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस ही वो चीज़ है जिसमें वो गाड़ी का वैल्यूएशन करेंगे यानी कि इस गाड़ी की रकम क्या है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चार्ज अप एंड डाउन भी होता है। उसके बाद में जो व्यक्ति भेज रहा है उसकी लाइसेंस, आधार कार्ड या जो भी कुछ लगेगा, साथ ही पार्सल में क्या होता है कि जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसकी भी जानकारी आपको बुक करते दौरान सबमिट करनी होगी, ताकि वहाँ पे वो व्यक्ति अपनी आईडी दिखा के गाड़ी को रिसीव कर पाए। एक टोकन आपको मिलेगा या रसीद आपको मिलेगा, उसका जो है आप उनको स्कैन करके भेज दोगे, वो उसका प्रिंटआउट निकाल के अपनी आईडी लेके पार्सल ऑफिस पहुँच जाएंगे, उनको मिलेगा। एक और बात का दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी की टैंक में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो रेलवे अगर पकड़ लेती है तो आपको 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। और ये जो दो डॉक्यूमेंट मैंने आपसे कहा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस, इनके अलावा भी PUCC का कई बार यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है उसका भी कई बार डिमांड करते हुए देखा गया है, बना दो बेटर होगा। एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, कुछ लोगों में गलतफहमी है कि जिसके नाम पर गाड़ी है सिर्फ वही भेज सकता है उसको एक जगह से दूसरे जगह के लिए, जो कि पूरी गलत बात है। किसी के नाम पर भी हो कोई भी भेज सकता है, हाँ भेजते दौरान जो भेज रहा है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही जो रिसीव करने वाला है उसका भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई किसी का चोरी करता है, चोरी करके रेलवे में भेज दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है।
अब बात करते हैं गाड़ी भेजने के लिए किराया कितना लगने वाला है। तो आप मान के चले 500 किलोमीटर के लिए लगभग 1000 रुपये से 1200 रुपये के बीच में आने वाला है। ये फिक्स नहीं है, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, क्योंकि हो सकता है आप एक महंगी गाड़ी भेज रहे हो सकता है आप एक सस्ती गाड़ी भेज रहे हो। सस्ती गाड़ी का इंश्योरेंस में वैल्यूएशन जो है वो कम रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम लगेगा। अगर महंगी गाड़ी भेज रहे हो, कोई 15 लाख 20 लाख की गाड़ी भेज रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का बहुत बड़ा जिम्मा, मतलब रेलवे के हिसाब से कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी गाड़ी को संभाल के लेगा ना। हालांकि गाड़ी में खरोच वगैरह लग जाता है तो भी कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं होती है। अगर आपको मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।